दैनिक सेज समाचार के हिमाचल टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाया गया है ताकि प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं को और बल मिल सके, लेकिन जनता पर इसका कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के अधिकार के लिए केंद्र सरकार से भी इस बारे में निरंतर संवाद कर रही है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहे शिमला में अहम पदों पर तैनात रहे अपने दादा और पिता के जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र लेने अंग्रेज दंपति इंग्लैंड से शिमला पहुंचा। यहां नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा में जाकर रिकॉर्ड चेक किया तो दोनों के जन्म और मृत्यु का ब्यौरा मिल गया। हिमाचल में 30,000 ऐसे राशन कार्ड सदस्य हैं जिनके पोर्टल पर डबल एंट्री दिखाई जा रही है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग की रिपोर्ट में खुलासा किया है। विभाग की ओर से इन लोगों की पहचान की जा रही है। पंचायत सचिव और डिपो धारकों से इनके फोन नंबर लिए जा रहे हैं। पहाड़ों में घूमने के शौकीन पर्यटकों के लिए पर्यटन नगरी धर्मशाला का प्रसिद्ध त्रियुंड ट्रैक 15 मार्च से खोल दिया जाएगा। इसके बाद पर्यटक त्रियुंड की यात्रा कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ हजारों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक आते हैं। बारिश और भारी हिमपात होने के कारण दिसंबर से गर्मियों तक इस ट्रैक को बंद कर दिया जाता है, लेकिन अब बारिश की संभावनाएं कम है। बाली चौकी में गाड़ी से 11.584 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े आरोपी कालीदास की पुलिस ने 1 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है। पुलिस ने वीरवार रात बलहे क्षेत्र के ढावड़ निवासी कालीदास की गाड़ी में 11 किलो 584 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने कालीदास के साथ बंजार निवासी को भी गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ने कालीदास की संपत्ति की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। जिला स्तरीय फाग मेले के तीसरे दिन रामपुर बाजार में 11:30 बजे महानाटी का आयोजन किया गया। रामपुर उपमंडल के अंतर्गत 70 के करीब महिला मंडलों ने इस महानाटी में भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा, पुरानी संस्कृति, रहन सहन, पारंपरिक व्यंजनों को इस नाटी के माध्यम से दिखाया गया। पूरे बाजार में महानाटी मुख्य आकर्षण का केंद्र बना। फर्जी डिग्री मामले में फंसा मानव भारती निजी विश्वविद्यालय जून में बंद कर दिया जाएगा। निजी शिक्षण संस्थान विनायक आयोग ने एक बैठक में इस विश्वविद्यालय को बंद करने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेज दिया है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में 49 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इनमें से 25 विद्यार्थी जून में पास आउट हो जाएंगे। शेष 24 को अन्य विश्वविद्यालयों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरी ऑनलाइन लोक अदालत के लिए रिकॉर्ड 2.22 लाख मामले चिन्हित किए गए हैं। सूबे की सभी अदालतों को शनिवार को राष्ट्रीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वाहन चालान के 1.52 लाख मामलों की पहचान की गई है। हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीन और न्यायाधीश सत्येन वेद की खंडपीठ ने प्रधान सचिव वन सहित 11 को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। अदालत ने मामले की सुनवाई 3 हफ्ते बाद निर्धारित की है। ठियोग निवासी रमेश ठाकुर ने जनहित में याचिका दायर की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली की नगर पंचायत टहलीवाल के गांव नंगल कला में एक महिला को बिना पानी का कनेक्शन दिए ही पानी का बिल थमा दिया गया। वार्ड 5 निवासी उषा देवी पत्नी स्वर्गीय हेमराज ने कहा कि घर में पानी का कनेक्शन नहीं लगा है, लेकिन जल शक्ति विभाग ने उसे 3,075 रुपए का पानी का बिल थमा दिया। ये थी आज की हिमाचल टॉप 10 खबरें। बने रहिए दैनिक सेज समाचार के साथ। नमस्कार। सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे।